देश के कई राज्यों में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में 1.5 डिग्री तक पहुंचा रात का तापमान। आईएमडी ने खराब हवा के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक रहने की संभावना। शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर, अब तक कई उड़ानें प्रभावित। हरियाणा और पंजाब में भी जारी रहेगी शीतलहर, कई इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा। राजस्थान में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, 15 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। जयपुर के जोबनेर में माइनस में रिकॉर्ड किया गया तापमान। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। बालाकोट के पास हुई थी घुसपैठ की कोशिश, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में आज होगा सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, सुबह 10 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। एयर इंडिया पेशाब कांड के चश्मदीद का दावा, जी न्यूज से बोला आरोपी के नशे में होने की वजह से हुआ वाकया। शंकर मिश्रा ने जान बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रूपए महीना कमा रही है। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूछकर ऐसा नहीं किया। विमान में बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। एयर इंडिया ने भी जारी किया नोटिस, आज 3 को पैसेंजर्स को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। दिल्ली दरिंदगी केस पर बड़ा खुलासा, 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट, हवा में उछल गई थी स्कूटी। अंजलि की दोस्त निधि से फिर हुई पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने हादसे वाली रात पर किए सवाल। 2 साल पुराने ड्रग केस में जमानत पर है अंजलि की दोस्त निधि। पेशाब कांड के बाद एयर इंडिया की कार्रवाई, फ्लाइट के केबिन क्रू और पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामले की आंतरिक जांच की शुरुआत हुई। एयर इंडिया टॉयलेट कांड मामले में दिल्ली महिला आयोग ने शंकर मिश्रा के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। महिला आयोग ने मामले में देर से कार्रवाई करने पर सवाल उठाए। फ्लाइट में पेशाब कांड के बाद एयर इंडिया फ्लाइट्स में अल्कोहल पॉलिसी पर फिर से करेगा विचार। दिल्ली से गोवा रही गो फर्स्ट की फ्लाइट में महिला अटेंडेंट से बदसलूकी हुई, विदेशी यात्री पर बदसलूकी का आरोप। आज करनाल के शामगढ़ गांव से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। इंदौर में आज से शुरू होगा 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। समापन सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू होंगी शामिल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये प्रदेश के लिए ऐतिहासिक अवसर, तेजी से बढ़ेगा निवेश। जोशीमठ के घरों में पड़ रही दरार का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने लगाई याचिका, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। गोवा में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भारत की सब भाषाएं हमारी भाषाएं, भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने हैं, सारे विविधताओं का करूंगा सम्मान। झारखंड में अमित शाह ने सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा सीएम है आदिवासी लेकिन सरकार आदिवासी विरोधी है, हमने किया था काम, हमारे बाद आई सरकारों ने सब तबाह कर दिया। स्विट्जरलैंड के 30 नागरिकों को लेकर आज बनारस पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज, सीएम योगी करेंगे स्वागत। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में हुई भगदड़ की जांच होगी, आंध्र प्रदेश सरकार ने पैनल का गठन किया। कर्नाटक के बेलगावी में हिंदू संगठन के जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, अज्ञात बाइक सवारों ने कार में की गोलीबारी, हमलावरों की तलाश में पुलिस। मुंबई के अब्दुल रहमान स्ट्रीट के पास मार्केट के अंदर एक दुकान में लगी आग, घनी आबादी वाले इलाके में आग से हड़कंप। यूपी के हरदोई में पोल्ट्री फार्म में आग लगने के बाद 4,200 चूजों की जलकर मौत, आग बुझने के 3 घंटे बाद पहुंचा दमकल विभाग। बिहार के सिवान में बदमाशों ने एक पत्रकार को मारी गोली, अस्पताल में जारी है इलाज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी जारी है तेंदुए की तलाश, सोसाइटी में तेंदुआ ना पकड़े जाने से नाराज लोगों ने किया हंगामा, घरों में बंद रहे लोग हो रहे परेशान। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने 50,000 के इनामी बदमाश को दिल्ली से किया गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी से 2019 में हुआ था फरार। हरियाणा के मेवात में हथियार सप्लायर गिरफ्तार, पुलिस ने 8 पिस्टल और 16 कारतूस बरामद किए। अब मदरसों में नहीं पढ़ पाएंगे गैर मुस्लिम छात्र, बाल संरक्षण आयोग ने जारी किया आदेश, गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर सामान्य स्कूलों में दाखिला कराने को कहा गया। बाल संरक्षण आयोग के आदेश पर बोला मदरसा बोर्ड का, उसने कहा इससे सबका विकास सबका विश्वास की भावना से काम करने की असहजता पैदा होगी, अपने आदेश पर करें पुनर्विचार। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर एलजी को सीएम केजरीवाल की चिट्ठी, पूछा एलजी स्पष्ट करें कि क्या दिल्ली की सरकार वही चलाएंगे।
बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को एमसीडी सदन से निलंबित करने की मांग की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर, आज व्यापार मेले का करेंगे उद्घाटन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का जातिगत जनगणना पर बयान, कहा 2024 में जब मोदी जी देश से विदा हो जाएंगे तब पूरे देश में होगी जातिगत जनगणना। मध्य प्रदेश के बुधनी में 16 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सड़क में दरारें पड़ी हैं, पीडब्ल्यूडी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का शिवसेना पर हमला, कहा बांद्रा में मातोश्री की दूसरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ लेकिन सड़क पर गड्ढे वैसे के वैसे ही हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व प्रमुख मनजीत सिंह के खिलाफ FIR, पैसों की हेराफेरी के आरोप में दर्ज हुई FIR। लखनऊ में हैरान करने वाला मामला, जिम में वर्कआउट करने के दौरान एक डॉक्टर की मौत, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, कानपुर पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ से झज्जर तक DTC बस की शुरुआत की, बस सेवा से यात्रियों को होगा फायदा। मुंबई में कस्टम विभाग की नशे के खिलाफ कार्रवाई, कस्टम विभाग ने 30 लाख रुपए की सिगरेट जब्त की। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक योगेश कदम की कार का हुआ एक्सीडेंट, टैंकर से टकराई कार। दिल्ली के सदर बाजार में बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ, 2 लोग घायल हुए। बहराइच में दिल दहलाने वाली घटना, आवारा सांड ने सड़क किनारे खड़े युवक पर किया हमला, घटना CCTV में रिकॉर्ड। मुंबई के माहिम चर्च में तोड़फोड़, अज्ञात शख्स ने की है तोड़फोड़, पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 प्रेमियों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सड़क पर मिला शख्स का शव, मामले की जांच जारी। राजस्थान के अजमेर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 की मौत, 1 बदमाश घायल। राजस्थान के अजमेर में गोली मारकर शख्स की हत्या की गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के दौसा में पुलिस ने ATM कार्ड से फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 65 ATM कार्ड जब्त किए गए। बिहार के आरा में शख्स ने युवक को गोली मारी, अस्पताल में जारी है युवक का इलाज। बिहार में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की ड्रग्स, 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। बिहार के बेगूसराय में आपसी रंजिश में बदमाशों ने शख्स के घर पर किया हमला, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने बाइक चालक को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोग घायल हुए। MP के ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई, 6,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई। मध्य प्रदेश के हरदा में छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के मुरैना में बस और ट्रक में भीषण टक्कर, कई लोग घायल हैं, अस्पताल में जारी है इलाज। महाराष्ट्र के पनवेल में अज्ञात लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग, CCTV के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बदमाश ने मेडिकल स्टोर पर बंदूक दिखाकर शख्स को धमकी दी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। यूपी के कासगंज में दुकान में 4 लाख की चोरी हुई, पुलिस ने चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में गांव में आया तेंदुआ, तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के बाराबंकी में 3 महिलाओं की हत्या, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने फर्जी दारोगा को पकड़ा, दारोगा बनकर लोगों से करता था ठगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। यूपी के मथुरा में शख्स ने महिला का अपहरण किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में युवक की गला रेतकर हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दक्षिण कोरिया में 3 साल बाद मनाया जा रहा आइस फिशिंग फेस्टिवल, बर्फीली झील पर मछलियां पकड़ने के लिए जमा हुए लोग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बड़ी रैली का आयोजन, सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में निकाली गई रैली। पेरू में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, कैलाओ शहर में 3 टन कोकेन जब्त की गई, छापेमारी के दौरान 4 लोग गिरफ्तार। बेल्जियम में अनोखे अंदाज में मनाया गया नए साल का जश्न, 3,000 से ज्यादा लोगों ने ऑस्टिन शहर के उत्तरी सागर में लगाई डुबकी। कोलंबिया की सड़कों पर कार्निवल की धूम, रंग बिरंगी पोशाकों में दिखे लोग, पास्टो शहर में विविधता का जश्न मनाया गया।
ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फिट्ज़राय नदी पर बना पुल बह गया। 1,300 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। अमेरिका के लास वेगस में रोबोटिक बारटेंडर की प्रदर्शनी। चाय से लेकर पैशन फ्रूट तक कोई भी ड्रिंक बना सकता है रोबोट। इजराइल की नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पेरिस की सड़कों पर उतरे कुर्द प्रदर्शनकारी। अपने समुदाय के 3 सदस्यों के मारे जाने पर जताया आक्रोश। हजारों की संख्या में कुर्दों का विरोध प्रदर्शन। सीजफायर के दौरान भी रूस के हमले जारी रहे। यूक्रेन के बाखमत में गोलीबारी हुई। तीसरे T20 में भारत ने श्रीलंका को 91 रन से हराया। 2-1 से जीती T20 सीरीज। श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।